अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। आपको तो कुछ नहीं होना। जय राम, जय श्री राम। बैठो, दो मिनट बैठो भैया। भैया एक बार देखिए पीछे की साइड में। हो गया जय श्री राम। खतरनाक यार। दोस्तों इंट्रो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जस्ट अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। दोस्तों आज एक ऐसी लोकेशन पे आपके भाई राधे द आरजे ब्लॉक से जितेंद्र मारोटिया एक ऐसी लोकेशन पे आया और यहाँ की कहानी क्या है वो आपको तुरंत बता दूँ। और यहाँ पीछे क्या हुआ, अभी जिस जंगल में हम घुसे थे अभी जस्ट हमारे पीछे एक तेंदुआ पड़ गया था। रियली में पहले तो हम कंफ्यूज थे कि वो तेंदुआ है या नहीं है, या हो सकता कोई नीलगाय हो। जैसे ही आगे बढ़े ना उसने हमारे पर हमला बोला। लाइट की वजह से वो भाग गया, वरना अगर ये लाइट नहीं होती ना रोशनी से डर गया। ये लाइट नहीं होती अगर तो आज आपके भाई शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना जानवर समझदार नहीं होते, जानवर सब चीज़ों को शिकार समझते हैं। तो शायद हो सकता है काम तमाम हो जाता हमारा आज। जान चली जाती यार लोकेशन के चक्कर में। लेकिन आगे का आप बताओ यार, ये क्या चीज है और क्या होने वाला है दोस्तों, क्यों यहाँ आए आज जिस लोकेशन पे आपके भाई है। ये एक बार देख लो वापस आ जाइए। नहीं नहीं काफ़ी दूर आ गए अपन उससे, तो काफ़ी दूर आ चुके हैं। दोस्तों आपका भाई जितेंद्र मारोटिया जो भी बोलेगा कैमरे के सामने बिल्कुल सत्य बोलेगा। और शायद जहाँ तक मुझे पता है राधे भैया की ऑडियंस और जितेंद्र मारोटिया की ऑडियंस सबको पता है कि कभी हम झूठ बोलते नहीं है। जिस लोकेशन पर जाएंगे हकीकत रियल ही दिखाएंगे, अगर कुछ भी एक्टिविटी होगी तो दिखाएंगे। अब यहाँ की कहानी क्या है दोस्तों मैं बता दूँ। दोस्तों जब मैं इससे पहले वाली लोकेशन पे जाके आया था, परसों की नाइट की बात है ये, करीब 12:30-1 बजे के आसपास मेरे को नींद आई थी। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा सपना ऐसा ड्रीम देखा कि मेरे होश उड़ गए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि केवल एक इत्तेफाक है, एक सपना है जो रेगुलर सबको आता है, जैसे आपको आता है, जैसे मुझे आता है, जैसे राधे भैया को आता है, सबको आता है। अब दोस्तों इस सपने की कहानी क्या है मैं बताऊँ। सपने में जो हुआ मेरे साथ में, सपने में मैंने एक स्प्रिट देखी। स्प्रिट ने अपना नाम बताया, उसका नाम है हमीदा। हमीदा नाम बताया उसने कि नाम बोला उसने जितेंद्र, मैं हमीदा बोल रही हूँ। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा हमीदा बहन आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं एक स्प्रिट हूँ, एक आत्मा हूँ। मैंने कहा आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो? तो बोला जितेंद्र भैया जो आपका दिल है उस दिल को देख के मैं आपके सपने में आई हूँ। तो मैंने कहा यार बताओ आपकी प्रॉब्लम बताओ। मैं एक इत्तेफाक से एक सपना ही समझ रहा था उस बात को, सपना पूरा याद है अभी भी मेरे को। उसने मेरे रिक्वेस्ट करी कि जितेंद्र भैया प्लीज़ मेरा एक लड़का है छोटा, एक तांत्रिक की बातों में आ गया है, तांत्रिक उसको उठा के ले गया बातों में आके, उसके बाद में उसको उठाया और एक ऐसी जगह ले जा चुका है वो, और अब से सही 3 दिन बाद में उसकी वो बलि दे देगा। और मैं आज के मेरा एक ही लड़का था ठीक है, जिस शहर में ये रहता है वहाँ से उठा के लेके आया था। अब वो कहाँ लेके आया है, किस जगह लेके आया है, मैं आपको आगे बताऊँगा दोस्तों। अभी दोस्तों उसने मेरे से बात करी कि प्लीज़ जितेंद्र मेरे बच्चे को बचा लो उस तांत्रिक के चुंगल से। मैंने कहा एकदम सही, अचानक से मेरी नींद उड़ गई। बहुत भयानक सपना था दोस्तों, सपना टूट चुका था मेरा। उठा मैं, फर्स्ट डे की बात है। मैं पानी वानी पी के आके और भगवान को याद करा और सो गया वापस। सुबह उठा, नॉर्मल बात थी, सपना सबको आती है, सबको आता ही है। आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन वापस के सोया मैं, वही सपना वापस आया, हमीदा नाम बताया वापस। फिर उसने मेरे हाथ जोड़े कि जितेंद्र भैया मेरे बच्चे को बचा लो,
और मैं आज के 10 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है। मेरा जीव मेरे बच्चे के अंदर है। अगर मेरा बच्चा नहीं बचा रहा इस दुनिया के अंदर तो शायद मेरा जो मोक्ष है वो कभी नहीं हो सकेगा। अगर आपने मेरे बच्चे को बचा लिया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, इस धरती से चली जाऊंगी यहाँ से। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इतना भयंकर चमक के उठा मैं और मैंने मेरी मैडम को उठाया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, कंटिन्यू 2 दिन हो गए मेरे पास में। उस सपने के अंदर उससे मैंने पूरी बात करी। उसने मुझे बताया कि मैं एक खातोली गांव है वहाँ की रहने वाली हूँ। पुश्तैनी जो घर था हमारा, पूरे जंगल के अंदर केवल एक ही मकान था, वहाँ की रहने वाली हूँ। वहाँ मेरा एक बैग के अंदर, उस घर पे जाओगे आप, वहाँ एक कपड़ा है, उसको जलाने के बाद में आप तांत्रिक से जब मेरे बच्चे को बचा लोगे उसके बाद में मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इस कपड़े को जलाने से, उस कपड़े को जलाने से शक्ति है जो उसकी बढ़ेगी, तब वो आगे का रास्ता बताएगी जहाँ वो तांत्रिक है। सेम ये का ये सपना ही जीतू भैया मुझे आया था। मैंने इनको कॉल करा था दोस्तों फर्स्ट डे कि जितेंद्र भैया ऐसे ऐसे पता नहीं, शायद दोस्तों देखो हम ऐसी ऐसी हॉन्टेड रियल लोकेशनों पे जाते हैं, कुछ भी चीज़ें साथ हो सकती है। मैं भी घबरा गया था, मेरे सपने में वो आई थी, नाम वो का वो हामिदा बताया था और मेरे को सिर्फ इतना कहा कि बचाओ बचाओ मेरे बच्चे की जान बचाओ। और दोस्तों मैं घबरा गया था और सीधा जीतू भैया को कॉल लगाया मैंने। रात के 3 बज रहे थे और इन्होंने उठाते ही, ये शायद उस टाइम आपका सपना टूट चुका था और इनकी वाइफ भी इनके साथ ही थी, दोनों उसी बात पे डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों तो यार आप इस चीज़ को कैसे भी सोच रहे होंगे कि यार फेक है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, लेकिन दोस्तों जिनके साथ ऐसा हो चुका है ना, सबको पता है, आपको खुद को पता होगा कि आपके घर वाले जो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, वो भी मरने के बाद आपके सपनों में आते हैं और अपनी इच्छा बताते हैं। आपको बता दूं कि मैंने हमीदा से बात करी थी सपने के अंदर, तो मैंने बोला था कि वो जो आपका पुश्तैनी घर है वहाँ जहाँ हमारे को कपड़ा जलाना है, तो वो कैसे, तो उसने मेरे को बोला था बिल्कुल क्लियर। हमीदा जी, हमीदा बहन जो है, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप मेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गए ना तो आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। खातोली से लेफ्ट साइड में एक रास्ता पड़ता है, उस रास्ते पे जाओगे तो एक तालाब आएगा। तालाब जिस जगह हम भी खड़े हैं, हम वो जस्ट पास में एक तालाब है, वो अभी यहाँ से बाउंड्री चालू की, गाँव वालों से हमने बात करी थी, इसी लोकेशन के बारे में बताया था, बिल्कुल रियल जो बताया था सपने में वो लोकेशन आ चुकी है। और उसने मेरे को बोला था हमीदा बहन ने कि आपको मैं अपने आप मेरे पुश्तैनी घर का रास्ता बताऊंगी, आप गांव तक आ जाओ, बस बस आप पहुंचो, आगे का रास्ता मैं बताऊंगी। अब मुझे ये देखना है दोस्तों कि वो सपना बिल्कुल रियल है या नहीं है, तो चलते सीधे लोकेशन पे। बिल्कुल जितन भैया, अब थोड़ा चौकन्ना रहना है जानवरों से, स्पेशल बता रहा हूँ मैं। भैया मुझे ऐसा लगा वही जानवर यहाँ खड़ा है। जितेंद्र भैया उसका घर जो है ना, उसकी हालत भी खराब हुई हुई है। यार कोई ये नदी आके तालाब नहीं मिल रही है कोई। ये तालाब, ये तालाब के पीपल का पेड़, हाँ वही है। और राइट साइड में रास्ता बताया था, राइट साइड में, यहाँ से राइट, बिल्कुल हाँ, तालाब के बिल्कुल राइट साइड में रास्ता पड़ता है। चलो आ गया, एक मिनट, यही रास्ता है, आ गया। जितू भैया एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, यहाँ तक तो उन्होंने तालाब से राइट तो बताया, मगर ये रास्ता कंफ्यूज कर रहा है। करना भाई एक बार उस तरफ करना। आराम से, क्या भैया इशारा दे रही है वो,
दोस्तों मेरी खूबियों कसम से मेरे सपने में जितेंद्र भैया ये चीज दिखी थी भैया ये आ गया हो थोड़ा पास में एक मिनट देखो ये शायद हमीदा बहन ही है वो देखो इशारा कर रही है यही चीज हो भैया 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 जूम करो थोड़ा जूम करो ये देखो ये चीज आई थी आपके सपने में भी ऐसा कहता क्या हो गया भैया जितेंद्र भैया ये अपने लिए हिंट है आगे बढ़ना चाहिए अपने भैया वो देखो लो गायब हो गई अब चलेंगे कैसे आगे अपन गुरु ध्यान आपको रास्ता इधर का बताया था उंगली का इशारा हुआ था बिल्कुल शोर इधर ही चले बिल्कुल इधर ही इशारा इधर ही हुआ था देखो अपने साथ ना तो अपन इस जगह को जानते हैं जितेंद्र भैया जैसे कि सपने के अंदर रियल में हमीदा बहन आई थी उन्होंने मेरे को ये जरूर बताया था सपना के अंदर कि रास्ता मैं बताऊंगी मैं आपको हमेशा दिखती रहूंगी रास्ते के अंदर तो जैसे आपने अभी कैमरे में शूट हुआ है बिल्कुल रास्ता उस साइड में कराया बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज पे थे हम थोड़ा बहुत तो चलते हैं वो आगे अचानक से सामने है ना बच्चे को बचाना है चीज गलत नहीं है अगर ऐसी बात होती है सपने में नहीं आती अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपके सपने में नहीं आती मेरे सपने में नहीं आती उनको अपने बच्चे को बचाना है और इस काम को अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है रुको एक सेकंड में एक बार थोड़ा लक्ष्य देख के आता हूँ ऊपर ठीक है आप नीचे का ध्यान रखना उस जानवर का भी ध्यान रखना कोई जानवर नहीं आ जाता मैं एक बार देखता हूँ इधर क्या है सही में दिखाई दे रहा है आगे भाई कुछ भी नहीं है जंगल है इधर इधर तो पूरा जंगल है थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि रास्ता इस साइड में बताया था या इस साइड में बताया था ये थोड़ा कंफ्यूज है तो अपन इसी तरफ चलते हैं ना सीधा एक बार ये कच्चा एक बार सीधा चलते हैं शायद रास्ता है या क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आओ आ जाओ अब ध्यान से धीरे धीरे आप तो जान के ले जाते हैं कुछ भी चक्कर में है जितेंद्र भैया एक बात बोलूं जितेंद्र भैया सुनो यार एक बात बोलूं डरना मत आप हाँ नहीं डरूंगा बोलो क्या हुआ आपके राइट साइड में देखो उधर मेरे साइड में उस तरफ देखो डरना मत वो फिर से दिख रही है क्या आपको भी दिख रही है भाई कैमरा घुमा एक बार डरो मत डरो मत सीधे चलो भाई चक्कर करते रहे भैया डरो मत बिल्कुल डरो मत
पूरी रात भाई रिकॉर्ड मत कर, नाम करो हमें नुकसान मत पहुँचाना। हमीदा बहन हमें नुकसान मत पहुँचाना। जल्दी निकलो भैया, एक बार कैमरा इधर। ओ बाप रे, अपने को घर तक चलना है बस, या वो है भी या नहीं भैया। इधर 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 इशारा कर रहे हैं वो। अमिता बहन इधर तो पहाड़ है। अमिता बहन इस तरफ इशारा कर रही है अपने को। आओ आगे आओ, ओके यहाँ तक पहुँचे यार। यार यहाँ कहाँ पे मकान था हमीदा बहन का, मगर वो इशारा तो इधर ही कर रही है। अब आगे तो चलो अपन थोड़ी दूर। वो क्या चीज है वो, सामने देखो एक बार पहाड़ पे। भाई 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 वो सामने देख एक बार, सामने देख एक बार। अरे क्या हुआ ये, इधर आओ। वो जीतू भैया रास्ता देखो। आओ भाई आओ। जो हमीदा वहाँ दिखी थी ना, उसने इस तरफ इशारा करा था, इस तरफ एक बार। वो खत यार, इस तरफ तो कुछ रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं है बस, यहाँ तो मोटे मोटे आगे आओ, देखे आगे आओ, कुछ दिखाई दे तो मैं देखता हूँ। बन गए आगे तो, आइए आगे तो। इधर नहीं है कोई घर, देखो एक बार घर है क्या। इस तरफ इशारा कर रही थी बिल्कुल। कोई नहीं, इधर तो जंगल पड़ा है पूरा, वही वाला जंगल है उधर से अपन जो घूम के आए थे ना। हाँ हाँ, पूरा लंबा चौड़ा गांव का जंगल है। इधर बैठो एक मिनट, बैठो यहाँ बैठो। थक चुके हैं यार, बहुत बुरी हालत हुई है। दोस्तों जो हमीदा बहन दिखी थी, मेरा सपना बिल्कुल सत्य हुआ। अब मैं बताऊँ आपको, वो सपना हुआ था। राधे भैया ने मुझे कैसे फ़ोन करा था, जब मैंने मेरी मैडम से बात करनी चाहिए ना वहाँ पे उठा के, कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया, तो आप यकीन नहीं करोगे। उसी समय सही 10 मिनट बाद में राधे भैया का कॉल आया कि यार जीतू भैया एक बार उठो यार, कि आप, मैं लोकेशन पर जाके आया हूँ ना, तब से मेरे पास में अब भी एक सपना आया बहुत खतरनाक, वो मैं चमक के उठाऊँ। मैंने कहा क्या यार, मेरे सपने के अंदर कोई हमीदा नाम की औरत आ रही है और वो बोल रही है कि जितेंद्र भैया के साथ जाओ और प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ, एक अगुरी के चुंगुल के अंदर है वो, और मेरा एक पुश्तैनी मकान है वहाँ पे, कोई मेरे कपड़े हैं उनको आपको जलाने पड़ेंगे। आप सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना शॉर्ट हुआ होगा कि राधे भैया का मेरे पास फोन आया। वो दोनों के सपने में ही हमारे राधे भैया, इत्तेफाक ही था वो एक साथ दोनों को आना, सब प्रभु श्री राम की मर्जी है। और दोस्तों उसने सपने में ये भी कहा था कि जब हम उसका जो पुराना मकान है वहाँ पहुँच के, उसके जो कुछ फटे पुराने कपड़े, उसमें से किसी भी कपड़े को अगर हम जलाएंगे तो वो अपने आप जलेगा और उसके बाद उसकी जो पावर है वो पावर बढ़ जाएगी, और वो देख पाएगी वो अभी मदद भी करेगी, कहाँ है मदद भी करेगी, वो देख पाएगी और रास्ता दिखाएगी और हमें भी। दोस्तों इस हिसाब से मुझे लग रहा है जीतू भैया कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी, कहानी आगे चलेगी। बच्चे को बचाना अपने को मेन मकसद है, कि सबसे पहली बार तो खुद की पावर बढ़वा रही है। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितनी रात होगी, सुबह होगी, दिन होगा या क्या होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन दोनों भाई कसम खा के आए हैं कि चाहे जान भी चली जाए लेकिन बच्चा के लगेंगे, बच्चे को तो बचाएंगे, भले कितना ही बड़ा अघोरी होगा, भले हमें कुछ भी करना पड़े ना। जीतू भैया तो सिर्फ एक ही बात कहे कि ये चीज अपने को झांसे में लेके अपनी जान ना ले ले यार, इस पे विश्वास करो जीतू भैया, इस पे भरोसा करो। अभी कुछ टाइम पहले वो जो गाँव वाली चुड़ैल थी लिफ्ट वाली, वहाँ मैं मरते मरते बचा हूँ श्री राम की कसम, उस दिन जान चली जाती है। मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे गुरुदेव के पास चलोगे डोरा करा दूँ आपके, क्यों नहीं मान रहे मेरी बात आप? चलेंगे यहाँ से, ये
ये काम कर ले, एक अच्छा काम, फिर बिल्कुल वहीं चलेंगे। दोस्तों देखो, सीधा सा हिसाब है, मुझे भी पता है आप हो सकता है हमारी ज्यादा बातों से बोर हो रहे होंगे, मगर ये बातें बतानी आपको बहुत जरूरी है, करना जरूरी है दोस्तों। पता नहीं आखिरी वीडियो है यार, पता नहीं क्या हो, अपलोड भी हो या नहीं हो, क्योंकि हो सकता है हमेशा खुद की पावर बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही हो, मगर हमने तो एक धर्म देखा हमने कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे सपने में अगर आई है तो उसका काम पूरा करेंगे हम। जितनी एक चीज और है, हो सके अपन इसके कपड़े जलाए, इससे इसको नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, उसका ज्यादा पावर आ गया, ये नुकसानदायक नहीं हो जाए, अपने अलावा किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, भलाई के चक्कर में नुकसान ना करे, इस पे भरोसा करो। कपड़ा कौन जलवाता है अपना, जिसको अपना मोक्ष लेना होता है। आप ये तो माइंड करो एक बार कि अपने जो वस्त्र होते हैं ना, वो कौन जलवाता है, अपने बच्चे भी कुछ चीजें हैं वही तो जलवाना चाह रही है, अपने आप को मतलब खत्म करवा रही है, वो मोक्ष पाना चाहती है, अपने बच्चे को बचा के वो जाएगी यहाँ से। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज और मैं एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, बैठो आप 2 मिनट, जो बतानी बहुत जरूरी है, टाइम कम है जीतू भैया, 2 मिनट बस, क्योंकि दोस्तों ये कमेंट मेरे पास कंटिन्यू आ रहे हैं कि जितेंद्र भैया आप काले कपड़े क्यों पहनते हो, तो तनिक आपको ये चीज हम बताना चाहते हैं कि हम काले कपड़े क्यों पहनते हैं। तो भैया लोगो, हमारा नाम है जितेंद्र मारोठिया और हमारे क्या है कि शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा के अंदर अगर काले वस्त्र पहनते हैं तो क्या शनिदेव खुश होते हैं, इसीलिए और उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इसलिए हम काले वस्त्र पहनते हैं। नेगेटिव एनर्जी चलो, ये खतरनाक आवाज आवाज आई, आराम से आराम से, आपकी कसम जैसे बहुत भयंकर, जैसे कोई कह रहा है कि तुरंत आओ, ऐसी आवाज शायद हो सकता है दोस्तों कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो बात।